वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी रेमेडी भी आप लोग लो ज़रूर यूज़ की होंगी। मैं आज आपके लिए जो रेमेडी लाई हूँ बहुत ही आसान और सस्ती है, वो ये कि सीरम। आजकल आपने भरमार देखी होगी सीरम की, चैनल्स पे, वीडियोस पे, हर जगह, लेकिन वो इतने महंगे होते हैं कि इंसान सिर्फ सोच ही सकता है, ख़रीद नहीं सकता। तो उसके लिए मैंने एक आसान सा मैंने घर में अपने लिए तैयार किया और एक महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ और उसका एक महीने के बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिला है तो आप लोग सोच नहीं सकते, अमेजिंग, इतना ज़बरदस्त कि जो मैंने चाहा था मुझे वो मिला है। और मैंने पूरे एक महीने के बाद आपसे मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी वही रिज़ल्ट मिले। इतनी आपकी स्किन, तमाम स्किन प्रॉब्लम से ठीक हो जाएंगी, डार्क सर्कल, झाइयाँ, रंग अगर आपका दो टोन हो चुका है कलर तो वो भी एक टोन में हो जाएगा, यानी कि आपका रंग भी फेयर होगा, बहुत ही आसान। दूसरा ये कि आप मेकअप के बेस से पहले उसको यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइजिंग के तौर पे, बहुत ज़बरदस्त है, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये रेमेडी जो होती हैं बहुत ही कारामद होती हैं, हाँ इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता, ये देर से असर ज़रूर करती हैं लेकिन देर पा असर होता है इनका। एक दफ़ा ये इफ़ेक्ट हो जाए फिर दोबारा आपको वो मसलाइल बहुत ही कम होते हैं। चलिए अपने आप वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक बाउल और जैतून का तेल जो हर घर में मौजूद होता है, कुरान पाक में इसका ज़िक्र है, तो आप खुद सोचिए जिस चीज़ का कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है तो उसके क्या क्या फ़वाद होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उसके लिए चाहिए हमें एक चम्मच जैतून का तेल है ये, और दूसरा है बादाम। में चाहिए हमें एक चम्मच चाहिए हमें आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। बादाम का तेल स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है, इसके लिए आपके सर्कल, झाइयाँ सब दूर होते हैं। एक चम्मच आपने बादाम का तेल ले लिया। एक चम्मच ये है लिवेंडर ऑयल, बहुत सस्ता तो नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग यूज़ ना कर सकें। इसका भी हमें सब ऑयल के एक एक चम्मच चाहिए। और तीसरा है कद्दू का तेल, ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे हुस्न खूबसूरती में इजाफा करता है। आपने तमाम तेल के ये एक एक चम्मच ले लेने हैं। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये शायद किसी को ना पता हो या पता हो, जिसको नहीं पता वो उसको भी चले मैं बता देती हूँ। ये है ज़ाफ़रान, ये इस तरह का दिखता है, देखिए ये बहुत ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। इसको खाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको ब्यूटी टिप्स पे भी इस्तेमाल होता है। इसका हमने लेनी है सिर्फ एक चुटकी, ये देखिए एक चुटकी सिर्फ हमें चाहिए। ये मैं जो आपको रेमेडी बता रही हूँ ये एक चम्मच से बनाई है मैंने, अगर आपको ज़्यादा बनानी है, दो दो चम्मच बनाने हैं तो आपको उसमें दो चुटकी डालेंगे। और अब जो पांचवी चीज़ चाहिए हमें वो है विटामिन ई कैप्सूल। इसके लिए हमें एक विटामिन कैप्सूल चाहिए, क्योंकि मैंने एक चम्मच हर ऑयल का लिया है तो एक चाहिए, अगर आप दो बना रही हैं तो उसके दो चाहिए। इसके लिए हमें इसमें से एक ही कतरा निकलता है, ये बहुत है, आपको इसने अच्छी तरह इससे मिक्स करना है। ये ज़ाफ़रान इसमें मिक्स नहीं होगा लेकिन इसके तमाम फ़वाद तेल में आ जाएंगे। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, मिक्स करके एक बोतल में डाल लीजिए, खाली बोतल में, और उस बोतल को आपने अच्छी तरह जब एक हफ्ते तक आपको एक सिर्फ इस बोतल में डाल के रखिए, और जब आपको यूज़ करना है आपको इसको शेक करना है, यानी कि अच्छी तरह हिलाना है, हिला के आपको ये देखिए ऐसा तेल, बहुत ही ज़बरदस्त तेल है ये, मेरी अपनी मेहनत, मेरे अपने हाथ की। अगर आप अपने घर में बनाएंगे, आप खुद बनाएंगी तो आपको पता हो चल जाएगा कि आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल की है अच्छी और हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको लगा के आपने, मैंने एक हफ़्ता आपको इसने रख देना है, ये नहीं कि यूज़ नहीं करना, यूज़ भी करते रहें साथ साथ। और साथ साथ आपने क्या करना है कि कोई ड्रॉपर आपके पास शीशी है तो उसमें अलग लगाने के लिए निकाल लें, जैसे कि मैंने इसमें निकाला है,
मैंने इसमें से निकाल के थोड़ा सा इसमें डाल लिया है और मैं इसमें से यूज़ करती हूँ रोज़ दो इसके लिए हमें 2 से 3 ड्रॉप चाहिए जैसे आपकी स्किन है। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये थोड़ी देर के लिए सिर्फ चिपचिपा होगा, उसके बाद आपको मसाज करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। पहले 1 हफ्ता आपको रोज़ाना इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त करें और सारी रात ये लगा रहे, उसके बहुत ही असरात होंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सुबह उठ के अच्छे से साबुन से मुंह धो लीजिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए चिपचिपा होगा, उसके बाद आपकी स्किन ऑब्जर्व कर लेगी। 2 मिनट के लिए मसाज ज़रूर करना है इस पर, पहले रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें आप, आपको 15 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। 1 महीने के बाद तो जो मुझे रिज़ल्ट मिला है आपको वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ज़बरदस्त चीज़ है। और वही सीरम है जो बाज़ार में मिल रहे हैं, उसमें भी ऑयल ही इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ वो महंगे इतने होते हैं कि बस हम लोग सोच के ही वो बस हो जाते हैं कि छोड़ दो महंगा है। इसमें एक सिरे में सिर्फ गोल्डन वर्क भी डलता है, जो आप बाज़ार में देखते हैं वो गोल्डन वर्क होता है, वो एक्सपेंसिव है। मैं गई थी लेने तो उस 500-600 का वो मिल रहा था, मुझे थोड़ा सा चाहिए था तो मैंने कहा चलो इसको एक तरफ कर दो। मैंने फिर इसमें ज़ाफ़रान डाला, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बस आप जैसे मैंने बताया आपको इसको ऐसा बनाएं और ऐसे ही लगाएं, 1 महीने के बाद आप मुझे दवाएं देंगे। चलिए मैं यही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, मैंने कभी भी कोई भी बाज़ार की, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मैं कुछ भी नहीं लगा सकती, मेरा ये सालों का तजर्बा है, जो मैं चीज़ें मैं ख़ुद इस्तेमाल की हैं आज मैं वही आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ। क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं कि आपका क्या सीक्रेट है, आप हाथों पाँव को क्या लगाती हैं, तो मैं यही चीज़ें लगाती हूँ। उसका हल मैंने ये ढूंढा कि लोगों को जवाब भी मिल जाएगा, इस तरह वीडियो बनाना शुरू कर दूँ ताकि लोगों को जवाब भी मिल जाए मेरी बातों का, मेरा सीक्रेट मिल जाए और लोगों का भला भी हो जाए। क्योंकि इन चीज़ों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, आप अपने घर में किसी बुज़ुर्ग से इन चीज़ों का जिक्र करके देखिए, पूछिए, आपको आपके घर के बुज़ुर्ग नानियाँ दादियाँ अम्मी सब बता देंगे। मेरी अम्मी ने हमें हमेशा शुरू से यही कुछ चीज़ बाहर की इस्तेमाल नहीं करने दी और वो स्किन इतनी सेंसिटिव कि आज मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती। मैं क्रीम डे क्रीम्स लोशन हर चीज़ मैं खुद घर में बनाती हूँ और मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी औरतें मेरी बहनें जो बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकती और वो बाहर जो चीज़ें देख के ही वो हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है और वो दिन ब दिन स्किन ख़राब से ख़राब करती हैं। तो उनके लिए है मेरी इतनी कौन सी रेमेडी और इनमें इंग्रेडिएंट्स इतने 2-3 से करती हूँ, वो इसलिए कि आप लोग देखें और छोड़ दें, नहीं भाई ये चीज़ घर में मौजूद नहीं है या ये महंगी है तो इसका आप छोड़ेंगे नहीं। मेरी वीडियो है आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत आसान है। दूसरा, टीवी देखते हुए आपको स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता, आप टीवी देखते हुए अपनी स्किन को सिर्फ 10 मिनट रोज़ाना दे दें, 20 मिनट दे दें, केयर करेंगे तो पता चलेगा बीमारी जितनी पुरानी हो जाए वो उसका इलाज भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पहले ही केयर शुरू कर दें, आपकी उम्र के असरात बहुत कम हो जाएंगे। जिन लोगों ने मुझे देखा है जो मुझे जानते हैं देखा होगा वो मुझे मेरी बातों को मानते भी हैं, मुझसे पूछते हैं कि इस्तेमाल करती हूँ, तो आज मैं अब इन वीडियो के ज़रिए उन लोगों को जवाब दे रही हूँ। अब इस थोड़ा सा मैं इतना कीजिएगा कि कंजूसी ना करें, कोई चीज़ कोई आपको अच्छा कोई अगर अच्छा काम करता है आपको अच्छी बात बता रहा है तो उसको प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्योंकि अप्रिशिएट करने से हौसला बढ़ता है और नई से नई चीज़ इंसान करता कहता है कि मैं खूब शेयर करूँ नई से नई चीज़। आपकी एक लाइक या सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाएगा, हम सारा दिन वीडियो फेसबुक पे चल रहे होते हैं तो एक अगर आप अच्छी चीज़ पे लाइक कर रहे हैं तो इसमें कोई नहीं, कंजूसी ना कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आइंदा बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लाने वाली हूँ, मौसम चेंज हो रहा है मौसम के लिहाज से, गर्मियों में फ्रूट से सब्ज़ियों से मैं आपकी बहुत ही आपको खूबसूरत बनाने वाली हूँ, बस ये है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चलो ठीक है, आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अल्लाह हाफिज़।